Hello guys, I'm the great Muhammad Ali and welcome back to another lad video. So a lot of my friend YouTubers are doing the story time videos. So I thought ki main bhi aapke saath ek story share karta hu. The time that I got kidnapped. Yes, the time I got kidnapped, it was kind of scary and funny at the same time. So back in 2009 हम लोग मतलब कॉलेज में थे, मी एंड माई फ्रेंड्स, यू नो. तो हम बड़े बंक किंग के नाम से मशहूर थे. बंक किंग, दैट्स हाउ मच वी यूज टू बंक आर क्लासेज, यू नो, इन द कॉलेज. बिकॉज कॉलेज में आपको पता है कि यू नो पेपर शेपर आ जाएंगे, सिस्टम सारे ऑन हैं, प्रिलियम व्रिलियम जो भी होते थे उसमें पास होना होता था. वो भी आप सी वी ले आओ, यू नो, यू बेयर मिनिमम करके यू जस्ट डू इट, बिकॉज आपका ए ग्रेड आ जाए या आपका ए वन आ जाए, ब्रो, नोबडी केयर्स वाला सीन होता था. सो आई लर्न दैट अर्लियर इन माई लाइफ. सो कॉलेज में माई फोकस यूज टू बी ऑन हैविंग मोर एडवेंचर्स एंड यू नो हैविंग फन. सो हुआ ये कि जी एक जगह है चरना आइलैंड, मुबारक विलेज, आई विल शो द पिक्चर्स. सो बेसिकली आप पहले पहुँचते थे मुबारक विलेज. अब मुबारक विलेज जो है ना वो कराची में हॉग्स बे बीच जो है, जो कि शहर से 45 मिनट दूर है, उससे 45 मिनट अंदर एक ड्राइव है तो जाके आता था मुबारक विलेज. उसके बाद 30 से 40 मिनट की बोट लेके आपको जाना होता था टू चरना आइलैंड. अब चरना आइलैंड ऐसा सीन था कि आप ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, उस टाइम तक कोई मैकेनिज्म नहीं था. और उस टाइम 2009 में बड़े ही कम लोग थे जो जिनको पता भी था कि मुबारक विलेज क्या है, सुनहरी बीच क्या है और ये चरना आइलैंड क्या है. खैर जी, हम उन में से थे कि वी यूज़ टू लाइक लिटरली बैक इन कॉलेज डेज वी यूज़ टू गो एक्सप्लोर द बीचेस. ड्यूड, दैट्स हाउ फार इफ वी वर, लाइक यू नो वी हैड ऑल द टाइम, लाइक सुबह 8 बजे से लेके आई थिंक शाम 3-4 बजे तक का टाइम था. तो उसमें हम एक्सप्लोरर थे, वी वर लाइक लैड द एक्सप्लोरर, यू नो. सो खैर एक दिन जी बड़े हम ऑलमोस्ट हर रोज ही यू नो बीच वीच जाते थे, एक्सप्लोरिंग बीच वॉज आर हॉबी. सो वन फाइन डे वी डिसाइडेड कि यार हमें ना सन सेट देखना है. यूजली क्या होता है कि सन राइज देखना होता है. नो, डिफरेंट ब्रो, लैट्स डिफरेंट. तो मी एंड माय फाइव फ्रेंड्स वी गॉट इनटू माय फ्रेंड्स मेहरान. सर फुल पिंडी बॉय, आप क्या समझ रहे हैं, फुल पिंडी बॉय टू द कोर, यू नो. मैं और मेरे पांच बॉयज got into a mehran, we went to Mubarak village और हमने लिए 6 टिक्के और 6 चपातियाँ और हमने कहा हम वहाँ जाके सनसेट देखेंगे. वैसे ही हमारे बाप की तो सरकार है तो यू नो हमें टेंशन ही क्या है, क्या ही हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा. अच्छा जी, 5-6 बजे का टाइम है, हमें दिख रहा है हम आर करते हुए ना जा रहे हैं उस रोड पे ऑन द जो डायरेक्ट मुबारक विलेज पहुँचती है. हम जा रहे हैं, यू नो 6 बॉयज़ हैं, एक हमारा बॉय जो गाड़ी चला रहा है वो यूके से आया है 3 दिन पहले. और वो जाहिर है जो ज़रा आप इधर बाहर मुल्क चले जाओ तो उन दिनों पाकिस्तान के और कराची के हालात भी कोई इतने अमेजिंग थे नहीं, तो वो भी यू नो एवरीवन इज लाइक यार ज़रा सेफ हो. खैर जी, उसको बीच पे देखना था, उसको बीच देखना था, बिकॉज हम पूरा दिन बीच कर रहे होते थे. तो उसने कहा चलो जी चलते हैं. वो बॉय आया हुआ है यूके से, वो गाड़ी चला रहे हैं, मेहरान है, पीछे 4 बॉयज़ हैं, आगे एक बॉय है. हम जा रहे हैं जी, एक हम देखते हैं बीच रोड पे एक वाइट ऑल्टो खड़ी है और 3 बंदे बाहर खड़े हैं. हमने कहा ब्रो लग गए. एक वाइट ऑल्टो खड़ी है, 3 बंदे गने लिए खड़े हैं. हमने क्या किया जी, हमने कहा बॉस रोकी ना तो सीधा अंदर. ये वो दौर है जब गलत जगहों पे एल्फी डाल दी जाती थी वाला सिस्टम होता था. तो ये ब्रो कराची इज द हुड. सो वी सर्वाइव द हुड डेज एंड नाउ इट्स गेटिंग बेटर, नो मैनेजमेंट. बट खैर, हम जा रहे हैं जी, सामने ऑल्टो खड़ी, हमने कहा नहीं बॉस अगर रुके ना तो ये इन्होंने तो बैठा लेना है. हमने ना थोड़ी सी ये धूम मचाले की, कच्चे में उतारी, मेहरान है उतारी और हम चलना शुरू हुए. अच्छा जी, पीछे 4 बॉयज़ बैठे हैं, सूखे से थे हम. पीछे मुड़े जी, ऑल्टो आ रही है, उसमें से एक जो पैसेंजर सीट में बैठा है ना उसने निकाल के रखी हुई है गन.
हमने कहा अगर बॉस इसने चला दी तो पीछे के चार बॉयज जो हैं उन पे पहले लगनी है। तो हमने जो था अपने जो बॉय गाड़ी चला रहा था उसको बोला, भाई कर कुछ पट ब्रो, कुछ कर, मतलब समझ रहे ये वो। अच्छा जी, उसने कहा अच्छा 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 मैं काम करता हूँ। अब ना ये फुल ऑन चेज चल रहा है, हमारे पीछे एक वाइट ऑल्टो है, हम एक मैदान में चेज हो रहा है, बॉस जा रहे हैं। हमने कहा जी देखें, अगर हम सीधा जाते रहेंगे तो मुबारक विलेज है, हम वहाँ किसी को ऐसा सच नहीं जानते, हमें यू टर्न लेके वापस शहर जाना चाहिए, हमें घर जाना चाहिए। हमने कहा अच्छा बॉस, सिंगल रोड है, सिंगल ही रोड थी वो, मतलब डेढ़ डेढ़ वो वाला लेन है। हमने क्या किया जी, गाड़ी यूँ जा रही, हमने जल्दी से ना सोचा एक जल्दी से इमरान मार लें यू टर्न। हमने गाड़ी रोकी, जैसे ही मोड़ने का सिस्टम किया ना भाई, पीछे से आई अल्टू, अल्टू आई, वड्डे वड्डे लोग निकले, उनके हाथों में गन है, हम छह लौंडे। खैर जी, उन्होंने आके एक दो गालियां वालियां दी, उन्होंने बोला कहाँ भाग रहा था। हमने कहा कि आप गने और ये वो, हमने कहा क्या सिस्टम है। खैर जी, उन्होंने कहा आ जाएं। उनका एक बबलू आके बैठा हमारे साथ, और मैं और मेरा एक और दोस्त को उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया। अब जी उन्होंने गाड़ी उतारी कच्चे में, अब हम देख रहे हैं भाई बंदे पर गने, ठीक है गालियां शालियां हो गई हैं, उसने कहा है, आओ कच्चे में चलो, अब बात करते हैं, तुमसे भागे कहाँ। अंदर धुक 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 चल रहा है, ठीक है, मैं और मेरा एक और दोस्त हम बैठे हैं उनकी ऑल्टो में। तो जो अंकल गाड़ी चला रहे हैं ना, उनके बराबर में जो बंदा बैठा है, उन्होंने शायद इन्होंने पक्का शराब पी हुई थी, मतलब ठीक ठाक, ही वॉज ड्रंक, ही वॉज पिस ड्रंक। इसने ना इनकी पीछे पड़ी हुई थी शराब की बोतल, तो इसने बोला कि सर पीछे बोतल पड़ी है आपकी, तो वो कहता है इन्होंने पी हुई है ये, मैं रुको इनको बताता हूँ ये वो ना। अब जी हम वी आर ट्राइंग टू डिकोड कि आर वी गेटिंग किडनैप्ड, लाइक आर वी गेटिंग किल्ड, व्हाट्स गोइंग ऑन, आर यू पुलिस, आर यू चोर, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। शलवार कमीज पहने हैं, बलोच बॉयज हैं, फुल बड़े बड़े ना, साढ़े छः छः फिट वाले दाढ़े। अच्छा जी कच्चे में उतारिए, अब कच्चे में उतरिए, अब उनको रियलाइज हुआ है कि ये ना बच्चे हैं, बच्चे से मुराद कि ये टैंट हैं, बहुत कर रहे हैं। कच्चे में उतार दी ये गाड़ी हमारी। अब ना ये हुआ ये कि जब उसने गाड़ी रोकी थी ना, तो एक पीछे से सिटी आ रही थी, सिटी वाले ने देखा सर ये गने वने लौंडे आर गेटिंग, तो उसने क्या किया, उसने अपनी सिटी उतारी कच्चे में, धड़ धड़ मार मूर के वो आगे बढ़ गए बॉस, नो हेल्प। द गाय वाज लाइक बाय बाय यू गेट, आई एम लीविंग ब्रो, ही इज लाइक यू गाइस गेट। खैर जी हम कच्चे में उतरे। अब ना मैं हमेशा से थोड़ा स्ट्रेटजिस्ट वाला बॉय था, लाइक यू नो द गाय हु गोज एंड टॉक्स। मैं ना जो पिस ड्रंक वाला ना, मैं उसको अंकल सॉरी अंकल हम आइंदा नहीं करेंगे, अंकल नहीं नहीं हमने अंकल गलत कर दिया, नहीं अंकल हमें जाने दे, अंकल देखें रात हो रही है ये वो ना, हम तो टिक्के खाने जा रहे थे सुनहरी, हमें क्या पता था। वो कह रहे तुम्हें पता है यहाँ कितने हालात ख़राब हैं, क्यों आए उधर ये वो। अब ही वॉज ट्राइंग टू बी द पुलिस एंड तो उसने ना पूछा कि अब हमारे साथ ना हमारे एक ड्राइवर भी था जो कि हमारा बॉय था, तो वो सिंधी था, तो उनमें से जो एक किडनैपर था उसको सिंधी आती थी, तो इन दोनों ने जब थोड़ी बहुत बात की तो उसने बताया, उससे पूछा कि कौन लड़के हैं, उनके पास कुछ है, क्या सिस्टम है। हम एक कंगाल ब्रो, एक कंगाल, छः लौंडों के बाद टुगेदर मिला के 1500 रुपये थे, लेवल समझ रहे हैं आप, ये वो ज़माने 150 या 150 में जिंगर आता था, नहीं बल्कि शायद 70-120 में भी जिंगर आ जाता। वी लाइक यू नो वी गुड, वी हैव टिक्का, वी हैव चपाती, व्हाट एल्स डू वी नीड इन लाइफ, लाइक यू नो टिक्का चपाती खाएंगे, सनसेट देखेंगे, वापस कराची आ जाएंगे भाई, सिंपल सा सीन था। खैर जी उसने पैसे ऐसे देखे, फिर उसने हमारा जो ड्राइवर बॉय था उससे पूछा ये हैं कौन, मतलब ये इनमें से कोई कुछ बड़ी फिल्म तो नहीं है। So my friend who owned the Mehran, his father was a ex-judge and you know, unka is federal court se taluk tha. To usne ye bataya. To agla jo tha na ho gaya thoda sa relax. Usne kaha sir judge ka beta agar uthaya to ghante mein uska baap aa jayega dhoondne. ये हो जाएगा मसला। ही वॉज लाइक ओके, गलत गाड़ी रोक ली के मतलब इनके साथ। अब और अब इस टाइम मीन वाइल जब तक ये इंक्वायरी हो रही है, मैं फुल अनोइंग बच्चा था, मैं वो पिस ड्रंक अंकल के ना घुस गया।
I was like, uncle, मजाने दे, uncle नहीं अंकल. वो ना मुझसे कह रहे स्क्वाटा अपने घर के, तो स्क्वाटा इसको यहाँ से भगा, ये क्यों बोले जा रहा है. और मैं लगा हुआ तब भी, क्यों मैंने कहा शायद यार इस पे अगर माफिया शाफिया मांगे ना जाने देगा, मतलब ये देखते हैं अनॉय वनॉय करके देखते हैं ना सिस्टम. खैर जी अब ना रात हो गई है, एक डेढ़ घंटा हो गया. अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतने मनचले ये बॉयज़ हैं, इतने मनचले कराची के लौंडे हैं, करें तो करें क्या. उन्हें ये भी समझ में आ गया कि बॉयज़ हैवी भी हैं, मतलब बॉयज़ सिर्फ चवले नहीं मार रहे हैं, ये कुछ हैं इसलिए बीच जा रहे थे. क्योंकि उन ज़माने में ना उस रोड पे बॉस कोई नहीं होता था. अभी मतलब आप जितने क्लेम कर दो वहाँ कोई नहीं पाया जाता था. ठीक है, वी वर लाइक वेरी फ्यू ऑफ देम हु यूज्ड टू इवन गो टू मुबारक और चढ़ना उस टाइम. लाइक आई कैन टेल, अभी तक पीपल डोंट गो टू चढ़ना आइलैंड. लाइक अ लॉट ऑफ यू वुड गेट टू नो अबाउट चढ़ना आइलैंड राइट नाउ, इट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड. तो हियर इज माय ओल्ड पिक्चर ऑफ इट. खैर अच्छा जी, अब ना मगरिब ख़त्म होगी, रात होगी है. अब उसने किया ये कि फ़ोन वोन थे हमारे पास, तो जब भी उसने जज वाला सिस्टम सुना ना, उनका थोड़ा सा प्लान हो गया बैक. क्योंकि उन्होंने जहाँ कच्चे में उतरवा के लगाई थी सामने कमरा शमरा सा था, अब हमारे दिमाग में चल रहा है बॉस कमरे में लेके जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है, यू नो काइंड ऑफ थिंग्स. एवरीथिंग वाज कमिंग टू आवर हेड, लाइक यू नो के भाई या तो मार देंगे या तो जंजीरों से बांध देंगे, और तेरे नाम वाले सल्लू की तरह बैठे होंगे सारे बॉयज़ और हंस रहे होंगे एक दूसरे पे. अब ना उस ज़माने में, अब या उस ज़माने या जो भी, मेरी जो डिफेंस मैकेनिज्म या जो मेरा रिएक्शन था ना, वो ये था कि भाई सॉरी सॉरी करो, ये वो मतलब रफा दफा करो सिस्टम. टू ऑफ माय फ्रेंड्स वो हंसे जा रहे थे, मतलब अगले ने आपको किडनैप किया बॉस, वो हंस रहे हैं. अब सीन ये था कि एक तो वो तीन थे जिसमें से एक पिस ड्रंक था, तो दो बंदे थे. अब दो बंदे क्या ही कर लेते, छह ये थे. अब वो अगर उठा के लेके भी जाते तो चकमा दे के हम भाग सकते थे, बिकॉज उन्हें रियलाइज हो गया ये अजीब से होशियार बॉयज़ हैं और गलत, हमने गलत फिश कैच कर लिए. ठीक है जी, उसने कहा अभी जाओ, अभी मतलब उसने थोड़ा लंबी वंबी की और गालियाँ शालियाँ, ये वो पैसे दो और ये करो वो करो. हमने हम तो कंगाल ब्रो, कंगाल चेक कर लो यार, ये देखो यार 10 रुपये पड़े, अच्छा नहीं 5 रुपये देखो ये सदके के हैं, ये ले, मतलब इतना नीचड़पन कर दिया कि यूज लाइक भाई नहीं करनी किडनैपिंग ही नहीं करनी भाई, आज से जॉब ख़त्म, मतलब हो गई किडनैपिंग. उसने लिटरली उस दिन के बाद किडनैपिंग की होगी. खैर जी उसने कहा अब हम तो छोड़ रहे आगे देख लेना सर, यहाँ लग गए लसन लाइक आगे क्या देख लेना. उसने कहा आगे अगर किसी ने रोक लिया हमें नहीं पता. ओ जी अब हमारी हम लाइक ओके फाइन. तो जो हमारा ड्राइवर बॉय था ही टोक द कार, बिकॉज वी रियलाइज कि दिस गाय काइंड सेव्ड अस बिकॉज ही टॉक टू हिम इन सिंधी एंड क्लियर्ड द सिचुएशन आउट. ओके जी ही इज ड्राइविंग. अब रात हो चुकी है, लाइट वाइट का कोई सीन ही नहीं है, मतलब दूर से अगर कोई फॉक्स होगा ना उसकी आंखें चमकती दिखेंगी, ये सीन था. हम जा रहे हैं वापसी के रास्ते में, बीच रोड पे दो बॉयज एक बाइक लटा के खड़े हुए. हमने सोच लिया था कुछ भी हो जाए गाड़ी नहीं रुकेगी ब्रो, हम तेरी गाड़ी बनवा देंगे, अभी ना हमें बलूचिस्तान में फंसना नहीं है, मतलब वी डोंट वांट टू गेट किडनैप्ड इन बलूचिस्तान राइट नाउ. हम जा रहे हैं जी, सामने एक बाइक खड़ी है, बाइक लेटी हुई है बीच रोड में, दो बॉयज खड़े हैं. हमने भी वही किया जो सिटी वाले ने किया, हमने उतारी लेफ्ट से, हम निकल गए सीधा, फिर हमने जाके गाड़ी रोकी सीवी पे. क्यों बताएं क्यों, क्योंकि हमने खाने थे टिक्के और चपाती, हम इसलिए जा रहे थे मुबारक विलेज. प्लान नहीं चेंज हुआ, मंजिल चेंज हो गई, किया वही टिक्का और चपाती. ये टिक्का और चपाती का पता नहीं क्या सीन था उन दिनों, बट आप देख लें कि मैंने जो है वो जान जो है वो लगा दी थी हम बॉयज ने. खैर जी वो पहुंचे हम, फिर उसके शायद एक हफ्ते तक मुझे वाइट ऑल्टोफोबिया हो गया था कि जहाँ मैं वाइट ऑल्टो देखता था मुझे डर लगता था यार आ गए चलो भी चलो चलें जी बलोचिस्तान जा रहे हैं. सो या गाइस दिस इज द टाइम व्हेन आई गॉट किडनैप्ड एंड आई अनॉयड द फक आउट ऑफ द किडनैपर्स एंड गॉट सेव्ड. स्लैट बेबी, नोबडी कैन स्टॉप द लैट वाइप. सब्सक्राइब टू द चैनल, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी. इफ यू वॉन्ट मोर देयर इज वन सच अ लैट स्टोरी, ये मैं आपको सुनाता हूँ, ये सुनाता नहीं हूँ मैं, अगली वीडियो में सुनाता हूँ, बट मैं वो बता देता हूँ आप कमेंट में बता देगा. एक दफ़ा क्या हुआ जी, खान साहब हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो
मैं और हमारे दोस्त और उस पूरे एक एक इवेंट सा, इवेंट तो नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ इवेंट कह लें, उसमें वी ऑलमोस्ट सर्वाइव अ सुसाइड ब्लास्ट. नेक्स्ट स्टोरी वुड बी अबाउट दैट. सब्सक्राइब टू द चैनल स्लैट बेबी. कराची बॉय, वेलकम टू कराची बॉय, वेलकम टू कराची बॉय, वेलकम टू कराची बॉय, वेलकम टू कराची बॉय.